आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शंकर के भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। इस पूरे महीने भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। कहा जाता है कि सावन में शिव को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान होता है। जलाभिषेक करने पर भगवान शिव की कृपा अपार मिलती है। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल हरिद्वार की कंखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये भगवान शिव की ससुराल है कंखल। यहाँ भगवान शिव और सती का प्रथम विवाह इस भूमि पर हुआ था। क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पे गंगा जी को लेके घूमते हैं, इसलिए लोग भगवान शिव पर सबसे ज्यादा गंगा जल चढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उनके मस्तक पे हमेशा गंगा विद्यमान रहती है। तो लोगों के अंदर भी ये भाव है कि श्रावण के महीने में हम भगवान शिव पे गंगा जल चढ़ाएंगे उनके मस्तक पे अपने हाथों से, तो हमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा और उनको वैसा ही उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। इसलिए दूर दूर से लोग श्रावण के महीने में दक्षेश्वर महादेव जो कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है, राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं दक्षेश्वर, दक्ष के ईश्वर, तो लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव पे गंगा जल, दूध, दही, शहद, बूरा, बिलपत्र, फूल, फल, धतूरा, जो भी उनकी श्रद्धा युक्त चीजें भगवान शिव को समर्पित करते हैं और उनकी मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शंकर की ससुराल भी कहा जाता है। हाँ, भगवान शिव की ससुराल है। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का इसी भूमि पर हुआ था कनखल में। उसी प्रथम विवाह रात्रि को शिव विवाह रात्रि को शिवरात्रि के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और सती का प्रथम विवाह इस दुनिया का इसी जगह हुआ था, इसलिए शिव विवाह रात्रि को शिवरात्रि के पर्व के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। श्रावण ही विराजते भगवान। श्रावण के महीने भगवान शिव ने अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं कनखल में ही निवास करूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। वहीं सावन के पहले सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। वहीं मंदिरों में आए श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए। आज का पहला सोमवार है, बाबा महाकालेश्वर को आज 2:30 बजे पट खुले जल्दी, वो बाबा को विशेष पंचामृत पूजन किया गया। दही दूध शेर शकर घी से वो विजया का स्नान, फल स्नान, केसर स्नान किया गया और आज बाबा महाकाल को विशेष श्रृंगार किया गया भस्मा का। वो विशेष आज आरती महाआरती और हजारों लाखों भक्त आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं समस्त भक्तजनों का कल्याण करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें। वो बाबा महाकाल विष्णु अलंकार है, प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिय, विष्णु भगवान को आभूषण प्रिय है। वो भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दो और बिलपत्र चढ़ा दो, उसमें सब ओम नमः शिवाय बोल के, तो भगवान सब मनोकामना पूर्ण करता। भगवान कुछ नहीं चाहिए, भोलेनाथ को एक लोटा जल बिलपत्र चढ़ाओ सब मनोकामना पूर्ण करता। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, ये सावन का पहला सोमवार है, मैं हमेशा यहाँ आना चाहती हूँ। आरती में आए बहुत अच्छा लगा, भस्म आरती में आए, सबकी मंगल की कामना करती हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी सावन महीने के पहले सोमवार को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। सावन इस बार 2 महीने पड़ रहा है, ठीक है, और सावन बहुत सुहाना महीना, हम लोग को भी अच्छा खुशी हो रही है कि 2 महीना है, एक महीना नहीं, इस बार 2 महीना, 8 सोमवार पड़ रहा है और 8 सोमवार हम लोग को व्रत होना है, तो बहुत खुशी हो रहा है कि इस बार 2 महीना अच्छा लग रहा है। मंदिरों में भीड़ है, पूजा पाठ बहुत भीड़ है। मेरे झारखंडी बाबा तो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति हैं, उनकी बड़ी महिमा है, लेकिन सावन महीना में तो हर मंदिर में भैया पूरे पूजा पाठ होता है, लेकिन मेरे बाबा की इतनी कृपा है कि यहाँ तो भीड़ उमड़ी हुई है। अब भगवान की बड़ी महिमा है कि सारे संत अच्छे से पूजा कर रहे हैं, हम लोग आते हैं, बड़ी शांति यहाँ मिलती है,
बाबा की बहुत कृपा है। इस बार तो 2 महीने का सावन लगा हुआ है, तो ये और सौभाग्य की बात है कि सबको भगवान का 2 महीने का पूजा करने का मिलेगा अवसर। और झारखंडी बाबा बहुत जागता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। भोलेनाथ को आप लोग जल में क्या क्या चढ़ाते हैं? हम लोग बेलपत्र लाते हैं, फूल लाते हैं, जितनी पूजा की सामग्री हो जाए यथाशक्ति रहती है सब कुछ लेकर आते हैं। और सारी सुविधाएँ यहाँ हैं भी, मिल जाती हैं आसानी से, तो जो मिलता है लेकर आते हैं, भगवान का पूजा करते हैं हम लोग। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सावन के पहले सोमवार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु गंगा में स्नान करके और जल भरकर रात 3 बजे से ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लगातार जा रहे हैं। सावन के सोमवार का काशी में बड़ा खास महत्व माना जाता है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। RAF, PAC, फ्लड कंपनी, जितने भी नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण प्राप्त हुए हैं सब ड्यूटी में लगे हुए हैं। 3:40 पर मंदिर का जो चारों गेट है वो खोल दिया गया था। सभी दर्शन, सुलभ दर्शन जो श्रद्धालु हैं उनको कराया जा रहा है और सभी लोग आसानी से चल के जा रहे हैं। कल रात भी हमारे जनपद के कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। DIG LO सर भी थे, उनके द्वारा भी देखा गया। कल रात से ही कांवरिये वगैरह लेन में आकर बैठ गए थे। उनको पहले घंटे में 35,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है और अभी दर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हो रहा है, पूरा लेन वगैरह खाली हो गया है। सभी लोग वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सब लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। आने वाले 1-2 घंटों में ये पूरी भीड़ समाप्त हो जाएगी, जो लोग आते रहेंगे दर्शन करके वापस जाते रहेंगे। बता दें कि आज के दिन भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार 19 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं कि सावन का महीना 2 महीने तक चलने वाला है। सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त तक